नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर, जो कि 10 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सीएचएसएल सीजीएल मेन्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी अगर आप एसएससी के 2025 के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा यूट्यूब पर आपने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं उन सबसे बेस्ट वीडियोज ये आपकी होने वाली है और आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग का सिनेरियो ये है कि आप टाइपिंग कहीं से भी सीखें, जिस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइपिंग कहीं से सीखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम पे जो प्रीवियस पैसेज है उन्हें जरूर प्रैक्टिस कर लो। हमने ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाया है, यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रेशियो का क्वेश्चन है। सिंपल, ए और बी का जो रेशियो है वो 6 और 8 दिया है, बी और सी का जो रेशियो है वो 5 और 12 दिया है। ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ए बी और सी का हमें कंप्लीट रेशियो बताना है। ए और बी का रेशियो कितना है, 6:8। बी और सी का रेशियो कितना है, 5:12। अब कुछ नहीं करना कंप्लीट रेशियो निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे 8 सेंड हो रहा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40 और यहाँ पे 12 × 8 कितना हुआ, 96। तो ये आपका 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 20 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 48। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि शंकु कब बनता है, जब समकोण त्रिभुज को या तो हम आधार की परिता घुमाते हैं या ऊंचाई की परिता घुमाते हैं तो क्या बनता है, शंकु बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये बोल, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखो जिस भुजा के परिता घुमाएंगे वो ऊंचाई होगा और जो दूसरी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं क्या हैं आपकी, 3, 4, 5। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब इस भुजा के परिता घुमाने का मतलब क्या, इस तरीके से घुमाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से शंकु बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके परिता घुमाते 4 वाली भुजा के तो इस तरीके से कुछ शंकु बनता। तो जिस भुजा के परिता घुमाएंगे वो भुजा क्या होगी, वो ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊंचाई हो गई, ये रेडियस हो गई और ये लैटरल हाइट हो गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे वो निकाल दो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। तो 1/3 π में ही मान निकालना है। r की वैल्यू कितनी है, 4 × 4 और h की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 × 4 कितना हुआ, 16 π। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फॉर्मेटिंग के अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका 1/10% के लाभ पर और शेष भाग 40% के लाभ पर बेचता है, उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है, तो 40% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी। तो ये एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ओवरऑल 40 किलोग्राम ओवरऑल वेट है, एक भाग को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, दूसरे भाग को 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 20%। साइन सभी एक जैसे हैं तो एक जैसे साइन है, उनका डिफरेंस घटा के निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 20, यहाँ पे कितना आएगा, 10। यानी कि जो इसका रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1। तो 2 और 1 = 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 333 सही है, 1/3। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 40% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी। तो 40% के लाभ पर कितनी चीज़ बेची गई, 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 333 सही, 1/3 किलोग्राम। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी मौखिक कर सकते हैं कि 40 और 30 की दो क्रमिक छूटें हैं तो ओवरऑल छूट क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक्स वाई हो, आप ए और बी के टर्म में लिख सकते हो, पी और क्यू के टर्म में लिख सकते हो, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70, माइनस 40 इंटू 30, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी मौखिक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 3 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा 58%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन ऊट पटांग दिखे तो सबसे पहले उसे वैल्यू पुटिंग से ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे वैल्यू पुट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है कि आप जो वैल्यू है उसे जो है, मतलब 99% केस में आप 45 डिग्री मान लो। 45 में क्या है कि वो हर जगह पे फिट हो जाती है, ठीक है। जैसे साइन में, जैसे टेन अगर काट होगा तो वहाँ पे भी 45 यूज़फुल है, ऐसे साइन कॉस में भी 45 जो है वो ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, ज़्यादा वैल्यू इसी से निकल आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ए की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 पे मान कितना होता है, रूट टू होता है, मतलब 1/√2 होता है। तो पी इंटू ये आपका 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, बराबर 2q(1/√2). तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया P और Q के बीच में रिलेशन कि P इज इक्वल टू क्या है, 2Q है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो कॉसेक रूट, कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, रूट टू होगी। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 2P(√2), यहाँ पे Q(√2) और यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम जो है अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, P इज इक्वल टू क्या है, 2Q है। तो P इज इक्वल टू 2Q रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4√2(Q) माइनस √2Q, इसे लिख सकते हैं, बराबर 3। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3√2Q की वैल्यू कितनी आई, 3। तो यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर प्लस 4Q² और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2Q है। तो 2Q रखेंगे तो यहाँ पे 4Q² प्लस 4Q² यानी कि टोटल 8Q² आ गया, ठीक है। अब Q² की वैल्यू कितनी है, 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 1/2, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर इसे सॉल्व करके लगाओगे तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि अच्छे ने किसी दुकान से कुल 180 रुपये के पेन और नोटबुक खरीदी, निम्नलिखित आंकड़ों में एक्स का मान बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, मूल्य प्रति इकाई, यहाँ पे जो पेन है, एक पेन की कीमत कितनी है, 10, और पेन कितने खरीदे, एक्स। एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 20, और कितने खरीदे, 6। तो यहाँ पे इसका टोटल प्राइस कितना हो गया, 120। टोटल जो खर्चा किया वो 180 किया, यानी कि बचा हुआ जो खर्चा है वो पेन पे किया होगा, यानी कि पेन पे 60 रुपये खर्च किए। एक पेन की कीमत अगर 10 रुपये है तो टोटल पेन कितने खरीदे होंगे, 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि पेन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सबसे पहले हमें इसका एवरेज निकालना होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे उनकी संख्या। तो कितनी वैल्यू है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, पहले सम निकालो कितना आएगा। ये देखो 35 है, ये कितना है, 50 है। ऐसे ही ये आपका कितना है, ये आपका 70 है, ये आपका कितना है, 90 है। ऐसे ही ये आपका कितना है, 40 है, ये आपका कितना है, ये 60 है, ये 60 है, और ये आपका ये कितना है, ये 40 है, ठीक है। तो जोड़ लो भाई, 6 4 10 कितना हुआ, 100, 140 और 90, 9 4 13 230, 70 कितना हुआ, 385 बटे 7, तो 7 5 35 और कितना बचा, 7 5 35, यानी कि 55 आएगा। अब 55 से ज़्यादा देखो कितनी वैल्यू है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, यानी कि टोटल 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। तो 3 वर्ष जो है वो एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लो कि अगर संख्या a प्लस 1 की पावर n बटे a के टर्म में है तो n की वैल्यू चाहे सम हो या आपकी विषम हो, रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर संख्या a
की पावर n बटे a प्लस 1 के टर्म में हो, यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे वाले वैल्यू से एक बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि ऊपर जो वैल्यू दी है नीचे वाली जो वैल्यू है उससे एक बड़ी है। तो अगर संख्या इस टर्म में हो तो n अगर आपका सम होगा तो रिमाइंडर इस कंडीशन में वन होगा आपका, और अगर n जो है वो विषम होगा तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, a, a मतलब जो ये संख्या लिखी है वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 77 की पावर 77 प्लस 77 को हमें 78 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मेटिंग आपका बनना है, 77 और नीचे 78 है, यानी कि ये वाला फॉर्मेट बनना है। और इस फॉर्मेट में n अगर ये वैल्यू विषम है तो रिमाइंडर क्या आएगा, a आएगा। a यहाँ पे क्या है 77, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपका 77 प्लस 77, अब इसे डिवाइड करना है 78 से, तो एक हमने इधर भेज दिया तो ये 78 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 76। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, इसकी वैल्यू दी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों तरफ होल आप स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 बराबर 49, उधर ले जाएंगे कितना आएगा 47, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 4/3 है, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा ये सेक थीटा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, बटे कितना है आपका कॉसिक क्यूब थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है और इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा कॉसिक थीटा बचेगा, तो कॉसिक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और ये क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे, ये आपका 1/sin थीटा होता है ये ऊपर जाएगा, यानी कि साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और ये 1/cos थीटा होता है ये आपका नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा। ये इसे हम क्या ले सकते हैं 10 थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो 10 क्या होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, इसकी जस्ट उल्टी, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे पूछ रहा है विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। तो विषय B1 की पुस्तकों की संख्या कितनी है 120। अब ओवरऑल जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालेंगे, जोड़ लो यहाँ पे 120 यानी कि 12 2 24 बात करें 36 और 300 यानी कि 36 360 और 300 कितना हुआ 660 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 51 5 5 3 15 और 5 2 10 132 आया ये, तो ये आपका कट जाएगा 6 से काटेंगे 6 2 12 और यहाँ पे 6 से काटेंगे 6 2 12 6 2 12 फिर कट जाएगा आपका कितना आएगा 10:11, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है क्वेश्चन, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कह रहा है कि त्रिभुज ई एफ जी और त्रिभुज एच आई जे समान है, साथ ही कोण ए जो है वो कोण एच के बराबर है, कोण एफ जो है वो कोण आई के बराबर है, तो अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण जाहिर सी बात है बराबर होगा, और तीन कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या होंगे समरूप होंगे, और अगर त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं यहाँ पे समरूप होंगे, और अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं जो होंगी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3EF जो है वो HI के बराबर है, यानी कि ये रेशियो दिया है हमें कि EF और HI का जो अनुपात है वो कितना है 1/3, तो जो भी रिलेटिव साइड होंगी उनका जो अनुपात होगा वो 1/3 ही होगा। तो यहाँ पे FG की वैल्यू ये दी है तो आपको IJ की वैल्यू निकालनी है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि EF और HI का अनुपात 1:3 है, तो यहाँ पे भुजाएं अगर ये समरूप त्रिभुज हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, जैसे कि EF के साथ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है HI है, ऐसे ही FG के साथ करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी FG, यानी कि लास्ट वाले दो ले रहे हैं, इसके साथ करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो IJ होगी, यानी कि FG बटे IJ का भी जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे FG यानी कि 1:9 की वैल्यू 9 दी है, तो 3:9 की वैल्यू कितनी होगी 3 × 9 यानी कि 9 × 3 = 27, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी।
तीन अम्लों ए बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20% 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान क्या होगा? तो ओवरऑल ये एवरेज का ही क्वेश्चन है कि तीन विलयन है ए बी और सी, इनकी मात्रा का अनुपात कितना दिया है 3:5 और 1, इनकी सांद्रता का अनुपात कितना है 20% 30% और यहाँ पे 40% और ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना है 30%। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? यहाँ पे इसकी सांद्रता का एवरेज दिया तो यहाँ पे टोटल सम कितना होगा आपका 60%, ऐसे यहाँ पे कितना होगा 150%, ऐसे यहाँ पे कितना होगा 40, अब परसेंट भी हटा दो आप क्योंकि बाद में परसेंट जो है वो अंडरस्टूड कर लेंगे, 40 ए होगा बटे टोटल सम बटे उनकी संख्या यानी कि 5 3 8 + a, तो ये क्या आया आपका एवरेज, और एवरेज कितना दिया है 30। बस सॉल्व कर लो यहाँ पे, ये कितना हुआ आपका 230 + 4a 40a और यहाँ पे कितना होगा 8 3 24 + 30a, ये आपका इधर आएगा तो ये 10a बचेगा और इधर आपका जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे कितना आएगा 3 × 6 और 5 3 15, ये कितना हुआ 260, यहाँ पे 30 आएगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा यहाँ पे 6 5 11 210 होगा, 230 नहीं होगा 210 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा, तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 होगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल था क्वेश्चन कि यहाँ पे देखो ए बी सी है, 20% इसकी सांद्रता, इसकी 30%, इसकी 40% और इनकी जो मात्राएं हैं वो ये हैं। तो ओवरऑल हमने एवरेज निकाले और ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना दिया है 30% दिया है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत, यानी कि जो कंपेयर करना है वो B3 से करना है। तो B3 की वैल्यू कितनी है 110 और 95, यानी कितना 205, यानी कि 205 ही आपका नीचे आएगा, 205 जो है वो आपका नीचे आएगा। और यहाँ पे B6 की दोनों में बिक्री कितनी है, टोटल B6 की कितनी 8 7 15 150, तो 150 बटे 205 इंटू 100, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 6 20, 5 51 5, तो 3000 बटे 41। अब कितने बार जाएगा आपका 7 6 28, यानी कि 7 बार जाएगा तो कितना आएगा 7 51 7 7 6 28, कितना बचा 13, 0 उतारा, अब 4 3 12 यानी कि 3 बार जाएगा तो 73 point something कुछ आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के वे मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सके। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 12 है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड की जो वैल्यू है वो 6 है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है, तो इसे ऑप्शन से ही करेंगे। देखो एक्स बराबर 5 वाई बराबर माइनस 4 और जेड बराबर माइनस 3 रखोगे तो क्या सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये रखोगे नहीं सेटिस्फाई होगा, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये सारे इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगे, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम जो है इसे 45 घंटे में भर सकता है, ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि एल पाइप जो है वो 30 घंटे लेता है, एम जो है वो 45 घंटे लेता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 180, यानी कि ये एक घंटे में कितने लड्डू बनाता है, 6 लड्डू बनाता है, और ये कितने बनाता है 4, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 10 लड्डू बनाएंगे, 180 लड्डू बनाने तो कितना समय लगेगा 18 घंटे, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपली इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है 0.58 का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस का साइन है और इसे हम लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यूब और नीचे क्या लिखा हुआ है 0.58 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, ये प्लस के सब साइन है ठीक है, प्लस यहाँ पे 0.58 × 0.1 का मल्टीप्लीकेशन जब लगाओगे तो यहाँ पे पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, टोटल यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 यानी कि 3 अंक के बाद लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0.058 लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे 0.1 का ये होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो इसे आप रिलेट कर सकते हो ए क्यूब, ऊपर लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 0.58 - 0.1, 0.1 का मतलब 0.10, तो 58 में से 10 घटाओगे तो 0.48 आएगा,
यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री हैं तो तीसरे कोण का बाह कोण क्या होगा। तो तीसरे कोण का जो बाह कोण होगा उसका जो सम होगा वो इन दोनों कोण के बराबर होगा, क्योंकि बाह कोण सामने वाले जो दोनों कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका इस सम कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 5 10 यानी कि 110 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। जो बाह कोण बनेगा, बाह कोण इस तरीके से तो बनता है भाई, ये कह रहा है कि ये वाला बाह कोण बताओ, तो इसके इसके सम के बराबर होगा। ये वाला एंगल 45 दिया, ये 65 दिया, तो इसका जो सम होगा वो इसके, मतलब ये जो एंगल होगा वो इसके सम के बराबर होगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 tan θ की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 10 θ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3/2। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। जब cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 tan θ - 2। ऐसे ही अब क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें 10 के फॉर्म में बनाना है। अब क्यों हम 10 से, हम देखो साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालेंगे, 10 हम बना सकते हैं इसलिए हमने 10 बनाया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर cot होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हम साइन से डिवाइड करते, साइन थीटा से डिवाइड करते। तो जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 tan θ - 2 बन गया, ऐसे ही 3 tan θ + 2 बन गया। वैल्यू पुट कर दो 3, यहाँ पे 3/2 - 2 और यहाँ पे 3 × 3/2 + 2, तो 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना आ जाए 5/2 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 × 3 = 9 = 4, 13/2 आया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 5/13। अब ऐसा क्यों होता है इसे भी समझ लो, अगर संख्या a/b/c/d हो तो इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा a × d और b × c के बराबर होता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहा होंगे, क्या कह रहा है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की और वृद्धि की गई, तो ओवरऑल वृद्धि क्या होगी। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, x + y + -xy/100% ओवरऑल होता है। ठीक है, अगर ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर वृद्धि होगी तो फार्मूला क्या बन जाएगा, x + y + xy/100%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 50 + 50 + 50 × 50/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 50 50 कितना हुआ, 100 + 25, ओवरऑल 125% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर जो है वो 15 km/h की चाल से दौड़ रहा है, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लगता है, पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी। देखो पुलिसकर्मी को कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव स्पीड से इस दूरी को कवर करने में, मतलब रिलेटिव स्पीड से ये दूरी कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर के बाद चोर पकड़ जाएगा। तो हमने मान लिया पुलिस वाले की चाल कितनी है, x km/h, और पुलिस वाले की चाल हमेशा जो है चोर से ज़्यादा ही होगी, तभी वो उसको पकड़ पाएगा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x − 15 km/h। ठीक है, तो बस इस डिस्टेंस से इस दूरी को कवर करने में जो टाइम लगेगा उतनी देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि 500 मीटर की जो दूरी है वो x − 15 km/h की चाल से, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो टाइम कितना लगता है, 15 मिनट दिया हुआ है, तो 15 × 60 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड में टाइम आएगा, तो सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब बस आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 100, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, उसके अलावा यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 6 × 3 = 18 हुआ, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 हुआ, 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 हुआ। ठीक है, तो x − 15 = कितना आया, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 15 + 2 यानी कि 17। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपली से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद है, यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 11 × 2 कितना हुआ, 22, यानी कि 0.22 आएगा। जब 3.22 में से ये 0.22 घटेगा तो 3 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 6 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10, और 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे ऑप्शन से कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दिए, पहले हमेशा ट्राई करो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करते हो
तो सबसे पहले ट्राई करो कि जुगाड़ से क्वेश्चन लग जाए, जब जुगाड़ काम ना करे तब बेसिक पे आ पाओ। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक घंटे में मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 12 मिनट में मिलती हैं, दोनों कारों की चाल क्या होगी। देखो जब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दिशा में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कैसे निकालते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं जैसे कि इसी, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे, और जब अपोजिट साइड में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जोड़ के निकालेंगे। अब देख लो ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही सही होगा। जैसे यहाँ पे अगर स्पीड 60 और 40 है तो अगर ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटा के निकालेंगे, यानी कितनी होगी 20, तो 20 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, एक घंटा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, एक घंटे टाइम लगता है इन्हें। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 100, तो 20 की दूरी 100 की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, 1/5 घंटे, और इसे अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 12 मिनट, तो 12 मिनट भी लग रहे हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो दोनों जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन से ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहा हूँ, कह रहा है कि 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो सिक्वेंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस जो है वो कितनी है, 5√13। अब केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो कितनी है, 10 है, तो इसकी जीवा की लंबाई निकालनी है, तो ये दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पे भाई कि इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं ये x है, तो वो कितनी होगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी कि 25 × 13 − 100, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 25 बाहर ले लें तो 13 और यहाँ पे माइनस 4, तो 13 में से 4 गया तो कितना, अच्छा 9, तो 25 का बाहर निकल के आएगा 5 और 9 का 3, तो 5 × 15 ये होगा, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संद्विभाजित करता है, तो 15 ये भी होगा, तो 15 × 15 कितना हुआ, 30, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 26,160 रुपये के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। तुमने मान लिया कि हर साल 100 रुपये या 100% रुपया देना पड़ता है, तो पहले साल अगर दे दिया टाइम से पैसा तो 100% देना पड़ा, लेकिन अगर दूसरे साल टाइम पे नहीं दे पाया तो 100 तो देना पड़ेगा प्लस 6% ब्याज, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो ब्याज 6% के हिसाब से लगेगा, जैसे पहले साल 6%, फिर दूसरे साल अगर नहीं दे पाए तो 6 और लग जाएगा, फिर तीसरे साल 6 और लग जाएगा। कंपाउंड में क्या है कि जो ओवरऑल जो प्राइस होता है, मतलब जो ओवरऑल आपका मिश्र धन होगा उस पर लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साधारण ब्याज में जो ब्याज आपका लगेगा वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे लगेगा, तो अगले साल अगर टाइम पे पैसा नहीं दे पाया तो इसे जो किस्त देनी पड़ेगी वो 106% देनी पड़ेगी, अगले साल अगर टाइम पे नहीं दे पाया तो 6 और बढ़ जाएगा, फिर अगले साल नहीं दे पाया तो 6 और बढ़ जाएगा, तो टोटल 4 साल के बाद कितना पैसा इसे देना पड़ा, 18, 12, 30 और 6, 36, यानी कि 436% देना पड़ा, और 436% की वैल्यू कितनी, 26,160, तो हमें पहली किस्त यानी कि किस्त प्रत्येक किस्त निकालनी है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी, तो कितना जाएगा, 26,160/436 × 100, तो ये 6 बार जाएगा पूरा, तो 60 और 100 कितना हो गया आपका, 6,000, यानी कि ओवरऑल जो किस्त थी, मतलब टोटल जो किस्त थी वो कितनी थी, मतलब प्रत्येक जो किस्त होगी वो कितनी होगी, 6,000। देखो 6,000 की किस्त है तो टोटल पैसा कितना बना, 6×24 = 24,000 बना, लेकिन वो समय पे नहीं चुका पाया, इस वजह से इसे इतना देना पड़ा, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट, और आपके सभी 25 जो क्वेश्चन है इस शिफ्ट के वो कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।